Assalamu alaikum, my name is Fazlur Rahab. You are watching my YouTube channel. Today we are continuing mathematics class 6. Name is new countdown second edition and exercise is 5b on page number 74. Question number 1 is state whether the following are true or false. ठीक है, वो कैसे को बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है. आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है. 15 माइनस 12 आपके पास क्या आ रहा है? 3. एंड 15 प्लस माइनस. अच्छा, आपको ये नहीं आ रहा. एक चीज जहन में रख लीजिएगा कि साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, साइंस जब माइनस मल्टी अच्छा प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस. व्हेन यू मल्टीप्लाई प्लस विद माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, you will get minus, and minus multiplied by minus you will always get plus. You got this one? When you multiply plus with the plus you will get plus, when you multiply plus and minus you are getting minus, and when you multiply when the symbols are same you will always get plus. ठीक है, जब दोनों साइंस आपके पास सेम, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो सूरत में रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है. लेकिन जब भी अपोजिट्स हो तो रिजल्ट माइनस में आता है. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो या माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो, उस वक्त आपके पास रिजल्ट माइनस आता है हमेशा के लिए. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी. तो 15 माइनस 12 इज ऑल्सो 3. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, 3 प्लस माइनस 5. 3 माइनस 5 क्या बनेगा? 3 माइनस 5 2 माइनस 2. देखिए ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा, 3 माइनस 5. देखिए जब साइन डिफरेंट हो तो बड़े से छोटे को माइनस करें. 5 माइनस 3 इज 2, साइन बड़े वाले का माइनस. यू गॉट दिस? ठीक है, 5 माइनस 3 2 होता है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा. यू गॉट दिस वन? सो माइनस 2 इज इन इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है. नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिला के इंटीजर्स बनते हैं. नेगेटिव इंटीजर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन. पॉजिटिव इंटीजर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन. और जीरो अगर शामिल कर दो तो आपके पास टोटल इंटीजर्स बनते हैं. तो माइनस 2 इज एन इंटीजर, तो इट्स ट्रू. ओके, 5 प्लस माइनस माइनस इज अ पॉजिटिव इंटीजर. क्या आएगा? जीरो आएगा. जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? पॉजिटिव. हाँ, ये बिटवीन की चीज़. तो प्लस वन से पॉजिटिव शुरू होते हैं, माइनस वन से नेगेटिव, और जीरो दरमियान में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. तो ये गलत है. ठीक है, रॉन्ग. नंबर 3 इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, माइनस 39 प्लस 14 और 14 माइनस 39 सेम ही है ना. ये प्लस 14 माइनस 39 और ये भी प्लस 14 माइनस 39. तो 14 माइनस 39 यू विल गेट व्हाट? 25 माइनस 25 व्हाट? माइनस 25. माइनस 39 प्लस 14 एंड माइनस 39 प्लस 14. एक ये देखिए ऑर्डर उसने चेंज किया, अब आपको कोई डिफरेंस नहीं है. माइनस 39 और प्लस 14 इज इक्वल टू 14 माइनस, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 39. तो ये माइनस, ये देखिए इसको यू लिख सकते हैं, माइनस 39 ये ब्रैकेट हटा दें, प्लस 14, और इसका ऑर्डर आगे पीछे है, तो इसको भी माइनस 39 प्लस 14 लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है. तो इसका आंसर भी माइनस 25 आ रहा है, इसका आंसर भी माइनस 25. तो यू विल गेट द आंसर विच इज माइनस 25. ठीक है, ओके, सो दिस वन इज ट्रू. ओके, पार्ट 4 इज ट्रू. पार्ट 5, माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0. तो आपके पास ये रिजल्ट भी आपके पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो दिस इज ट्रू. ओके, नंबर 6, नेगेटिव ऑफ माइनस 5 डज नॉट एग्जिस्ट. माइनस 5 का नेगेटिव कहते होते नहीं है, होता नहीं होता, क्या होता है? प्लस 5. एग्जैक्टली. ठीक है, माइनस 5 का नेगेटिव मतलब माइनस 5 को नेगेटिव ले लें, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा. ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है.
ये माइनस फाइव आपके पास है, इसका नेगेटिव माइनस फाइव, तो यू विल गेट व्हाट, माइनस माइनस प्लस फाइव, तो माइनस फाइव का नेगेटिव क्या है, प्लस फाइव, ठीक है, सो ये फॉल्स है, ठीक है। पार्ट सेवन टू, अच्छा इसमें हम क्या ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, फाइव प्लस थ्री एट, एट एट टू जा सिक्सटीन, इधर आप देखिए थ्री टू जा सिक्स प्लस टू फाइव जा टेन, सिक्सटीन हो जाएगा बेटा, थ्री टू थ्री जा, अब इधर ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, और प्लस टू फाइव जा टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, ठीक है, और ये भी फाइव प्लस थ्री एट, एट टू जा सिक्सटीन, ये ट्रू है, ठीक है। पार्ट एट, ये देखिए इसको पहले सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस टू बन जाएगा थ्री, थ्री जा नाइन, लेफ्ट साइड पे नाइन आ रहा है, इधर आप उसको सॉल्व करें, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस टू थर्टीन, रॉन्ग हो गया ना, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये सही नहीं है। नंबर नाइन, ये टू प्लस थ्री फाइव, फाइव जीरो से जीरो, और थ्री प्लस जीरो इज थ्री, फॉल्स हो गया ना, क्योंकि ये टू प्लस थ्री पहले प्लस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो फाइव आ जाएगा, और फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, और इस तरह जीरो प्लस थ्री इज थ्री आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। इस तरह से प्लस माइनस माइनस, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन जीरो, और इधर क्या रहे, फॉल्स है, ठीक है, तो पार्ट टेन हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर टू का सिंप्लीफिकेशन है, माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस, ये मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ और फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस अलेवन प्लस फोर्टीन, ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस ट्वेंटी नाइन तो वैसे ही है, ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस 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 अलेवन प्लस फोर्टी, तो ये माइनस ट्वेंटी नाइन और माइनस अलेवन, अब देखिए जब सिंबल साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, थर्टी फोर्टी बेटा फोर्टी, और साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसमें बड़ा वाला नहीं है, वो तो बड़ा वाला तब होता है जब अपोजिट साइंस होते हैं, तो माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस अलेवन इज माइनस फोर्टी, साइन जब सेम हो तो आपस में ऐड करें, जो भी साइन है वही लगा दें, प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, और ये प्लस फोर्टी, यू विल गेट जीरो, व्हाट हैपेंड, फोर्टी माइनस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी चलो एक में करके देता हूँ, ये वाला पार्ट थ्री में करके दे रहा हूँ, और पार्ट टू और फोर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। और ये माइनस वन जीरो सेवन माइनस माइनस नाइन्टी सेवन, ये क्वेश्चन है, माइनस वन जीरो सेवन और माइनस माइनस नाइन्टी सेवन प्लस टेन आपके पास आ रहे हैं, प्लस माइनस टेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये माइनस वन जीरो सेवन, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा तो इसलिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस नाइन्टी सेवन प्लस माइनस माइनस टेन, ठीक है। अब अभी देखिए वन जीरो सेवन माइनस टेन, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस वन वन सेवन हो जाएगा, समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है, एड कीजिएगा और सिंबल वही जो भी इस्तेमाल हो रहा है वही लगा दें, और प्लस नाइन्टी सेवन, अब ये सेवन माइनस सेवन इज ज़ीरो, ओके, अलेवन माइनस नाइन इज टू, साइन बड़े वाले का, ये माइनस क्यों हो गए, इसलिए कि एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो जब साइन अपोजिट हो तो बड़े से छोटे को माइनस करते, मैंने देखिए 117 बड़ा है 97 छोटा है, मैंने इससे इसको माइनस किया 20 आ गया, साइन बड़े वाले का लगा, बड़े वाले का जो 117 इसका लगा दिया, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज माइनस 129, इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर,
एक इंटीजर आपके पास 150 है, एक इंटीजर क्या है 150। ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन थ्री, ठीक है। एक इंटीजर 150 है, दूसरा इंटीजर हम इसको यू लिखते हैं, लेट द सेकंड इंटीजर इज एक्स है, क्योंकि वो गिवन नहीं है ना, तो हम उसको नाम देते हैं सिक्स, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या है, वन फिफ्टी है। सम क्या है, माइनस द सम ऑफ माइनस 129। तो देखिए सम इन दोनों का, ये एक्स प्लस 150, कह रहे हैं द सम ऑफ टू इंटीजर्स, जब दो इंटीजर्स को आप ऐड करो तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस 129। तो पहले इंटीजर क्या, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इधर छोड़ देंगे, ये 150 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 129 माइनस 150, एक्स इज इक्वल टू, चूंकि साइन सेम है, ऐड कर देंगे, 9, 2 प्लस 5, 7, 1 प्लस 1, 2, माइनस 279 इज आंसर। तो पहला इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर, माइनस 279 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 वगैरह आगे जाके इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप कॉपी के अंदर उतारिएगा, सही है।